जी स्टूडेंट्स असलम टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ टू कस्टमाइज़ आर डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म्स विद इन क्विक बुक्स दे मे वी नेरी टू कन्फॉर्म टू आर बिजनेस रिक्वायरमेंट हमें वो वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो एज़ पर हमारा बिज़नेस रिक्वायरमेंट या अगर हमारा पहले से सिस्टम कोई चल रहा है तो उससे मुताबक रखते हो और उसमें से गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हट जाए और हमें सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन नज़र आए और वो फिल करने के लिए हो जो हम चाहते हैं और जिससे हमारा काम चलता हो गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ना हम देखना चाहते हैं और ना हम प्रिंट करवाना चाहते हैं यही चीज़ हम अपनी इनवॉइस पर अपने एस्टीमेट्स पे अपने और डॉक्यूमेंट्स पे भी लागू करना चाहेंगे इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि मिसाल के तौर पे अगर हमारी तमाम चीज़ें रिटेल हो रही हैं तो हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि शिप वाया इस तरह की बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ें जो हम रिटेल पे इस्तेमाल नहीं करते हम अपने पास से हटा देना चाहते हैं और हो सकता है कि बाज़ ऐसी चीज़ें हों जो कि हम डालना चाहें जो हमारे पास अवेलेबल है लेकिन हमारी इन वॉइस पर नजर नहीं आती जब भी हम वो चीज़ डालना चाहेंगे हमें उसकी फैसिलिटी होनी चाहिए हमारे पास क्विक बुक्स में ये फैसिलिटी है कि हम जिस तरीके से चाहते हैं अपनी इन अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स अपने फॉर्म्स डेटा एंट्री के लिए भी और प्रिंटिंग के लिए भी सेट कर लें आइए चल के क्विक बुक्स में देखते हैं ये कैसे मुमकिन है अब हम अपना फॉर्म जिससे हम डेटा एंट्री करते हैं और जिस पे हम सारी अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट करना चाहेंगे एज़ पर आर रिक्वायरमेंट एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं अपनी इनवॉइस इनवॉइस में जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास एक ये शक्ल है जो कि इन प्रोडक्ट इन्वाइस की है इसके अलावा जितने मज़ीद टेम्पलेट्स हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं अब हम अगर फॉर्मेटिंग में जाएँ हमारे पास वैसे तो यहाँ आम तौर पर मेन होता है जिसमें हम नेविगेट कर सकते हैं पिछली इन्वाइस की तरफ सेव कर सकते हैं मेमोराइज कर सकते हैं लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास है वो है फॉर्मेटिंग का और इसके अंदर एक है जिसका नाम है मैनेज टैम्पलेट्स जब आप मैनेज टेम्पलेट्स खोलेंगे तो आपके पास तमाम मौजूदा फॉर्म्स और अगर आपने कोई पिछले बनाए हुए हों वो सारे ऊपर से लेकर नीचे तक लिस्टेड नज़र आएंगे जो आपने बनाया हो जिसको आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते उसे हम डिलीट कर दें और जो हम नया बनाना चाहते हैं उससे क़रीब तरीन हम चूज़ करें हम जो करीब तरीन चूज़ करना चाह रहे हैं वो है इन इट प्रोडक्ट इन का टेम्पलेट इसको हम लेंगे और इसको हम चेंज करेंगे एज़ पर आर रिक्वायरमेंट और चेंज करने के लिए वंस अगेन जैसे कि आपको पता है कि हम चेंज कैसे करते हैं इसे नए नाम से सेव से करते हैं और इसकी कॉपी बना लेते हैं औरिजिनल वैसी रहता है सेव ऐस करते हैं और जो टेप्लेट बना है उसमें हम एज पर आर रिक्वायरमेंट चेंजेस कर लेते हैं तो हम सेलेक्ट करेंगे उसको जो करीब तरीन है हमारी रिक्वायरमेंट के और जिसको कस्टमाइज़ करने से हमारा काम हो जाता है इसको हम कहेंगे कॉपी और जब हमारे सामने उसका नाम आएगा तो हम अपने लिहाज से इसका नाम सेट कर देंगे जब हम इसे ओके कहेंगे तो हमारे पास अब ये टेम्पलेट नया बन के आ गया और ये है इसका बेसिक कस्टमाइजेशन की स्क्रीन इस कस्टमाइजेशन में आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें अब इस्तेमाल कर सकते हैं याद रहे कि ये इंटोएट का प्रोडक्ट इन था उसको हमने रीनेम नहीं किया बल्कि उसको सेवैज करके एक नया टेम्पलेट बना लिया है नाम है उसका एक्स वाई जी कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट इन्वाइस सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें लगाना चाहेंगे वो है अपना लोगो ये लोगो हमारे पास मौजूद है हमने एक सैम्पल लोगो यहाँ लगा लिया और अब वो यहाँ शो कर रहा है उस लोगो को इसको हम जहाँ चाहे मूव कर सकते हैं कैसे करेंगे वो हम देखते जाएंगे सबसे पहला काम हमने किया है कि इसमें अपना लोगो ऐड कर दिया। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ आराम से बहुत सिंपली कर सकते हैं वो है कलर स्कीम अगर हम कोई कलर्ड प्रिंट करना चाहें तो यहाँ हम उसकी कलर स्कीम भी डिफाइन कर सकते हैं और अगर इनमें से हमें कोई पसंद आए तो हम इसका बड़ा प्लेटलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे पास ये प्रोविज़न भी मौजूद है कि हम इसके फॉन्ट साइजेस भी चेंज कर दें हर चीज़ के टाइटल का कंपनी नेम का कंपनी एड्रेस का और लेबल्स के इन तमाम के फॉन्ट और फॉन्ट साइजेस हम चेंज कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट जो हमें पसंद है हम उसके तहत कर दें जो हमारी पुरानी लेटर हेड और स्कीम्स चल रही थी सिस्टम आने से पहले हम उसी को कन्फर्म करते हुए इसे अगर कस्टमाइज करना चाह रहे हैं तो हम इसको बसानी कर सकते हैं अब इसका अगर आपने फॉर्मेट भी ठीक करना है आपको कुछ लग रहा है कि यार ये थोड़ी सी स्कीम सही नहीं है इसमें इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए तो इसके पास एक बहुत ज़बरदस्त टूल मौजूद है जिसे हम कहते हैं लेआउट डिज़ाइनर आप इस लेआउट डिज़ाइनर के बाद आपके पास कुछ रह नहीं गया आपके पास तमाम पूरा का पूरा आपका फॉर्म बन के क्लियरली आपके सामने आ गया आप जिस तरीके से इसे सेट करना चाहें चीज़ें आप इधर सेट कर सकते हैं जहाँ चीज़ मूव करना चाहें मूव करें जहाँ उसे दिखाना चाहें दिखाएं जो उसका साइज करना चाहे कर दें जैसे सेट करना चाहे कर दें अब आपके पास हर फील्ड देख रहे हैं आप जिस जिस को क्लिक कर रहा हूँ अब ये सारी चीज़ें मूवेबल हैं जो चीज़ आप चाहेंगे उसको हम जैसे चाहेंगे चेंज कर लेंगे आप नीचे लेके आ जाएं अपने कर्सर को तो आपको बॉटम में भी तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं इसका मतलब ये है कि अब ये फॉर्म इस डिज़ाइनर की मदद से हमारे लिए कंप्लीटली अवेलेबल है जैसे हम चाहें इसको दिखाएं, जो चीज़ चाहें हम दिखाएं, जो चीज़ हम खत्म करना चाहें ख़त्म कर दें आए इसको हम थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट करते हैं ताकि हम देख सकें कि वो इंफॉर्मेशन जाती कहाँ है। यहाँ हमने वेब एड्रेस डाल दिया जैसे ही हमने यहाँ वेब एड्रेस डाला और ओके करने से पहले अगर आप देख सकते हैं कि वेब एड्रेस ये नीचे नज़र आ रहा है और ये बड़ा ख़राब नज़र आ रहा है वेब एड्रेस किसी न किसी चीज़ के ऊपर चढ़ गया है और इसे हमें सेट करना है इसे सेट हम कैसे करेंगे इसे हम जाके लेआउट डिज़ाइनर में सेट करेंगे अब ये हमें वेब एड्रेस नज़र आ रहा है लेकिन ये हमारे लिए लिएबूल नहीं क्योंकि ये ऑबस्ट्रक कर रहा है हमारी बाकी चीज़ों को जहाँ चाहें आप इसको सेट कर सकते हैं जिस चीज़ को चाहें आप रिमूव कर सकते हैं राइट क्लिक करके उसे सेलेक्ट करें राइट right क्लिक करें रिमूव कर दें सिर्फ़ और सिर्फ आपका एड्रेस आता रहेगा जो चीज़ भी आप चाहेंगे जहाँ चाहेंगे वहाँ आप इसको सेट कर सकते हैं जो हटाना चाहेंगे आप यहाँ से हटा सकते हैं इसको हमने ओके okay कर दिया अब हमारे पास ये एक फॉर्मेट जो हमने अपने हिसाब से इसके लेआउट डिज़ाइन हमने सेट किया था वो क्लियरली नज़र आ रहा है अब हमारे पास इन की जो हमने रिफ़ाइन करके टेम्पलेट बनाई है वो हमारे सामने नज़र आ रही है हम इसको चाहें तो हम इसको मज़ीद भी सेट कर सकते हैं और आइए देखते हैं कि हम इसमें क्या चीज़ें डालें अब हम इसमें जो चीज़ें दिखाना चाहते हैं हम वो सारी चीज़ें यहाँ रहने देते हैं एक चीज़ जो हम इजाफ़ा करना चाह रहे हैं वो है ड्यू डेट जो स्क्रीन पे भी दिखाना चाह रहे हैं जैसे हमने ये डाला वो कह रहा है ओवरलैप कर रहा है ओवरलैप करने को सही करना अब आपको तरीक़ाकार आ गया है इसको कैसे करना है लेआउट डिज़ाइनर में जाना है आपने जो चीज़ ओवरलैप कर रही है उसको आपने आके सेट कर देना है ये हमने ड्यू डेट सेलेक्ट की थी और वो ओवरलैप कर रही थी अब हमारा ड्यू डेट वाला मसला भी हल हो गया है जो हमने नए कॉलम सेलेक्ट किए थे वो भी नज़र आ रहे हैं फुटर में अगर आप कुछ डालना चाहें फुटर में भी डाल सकते हैं हमने सारी चीज़ें यहाँ सेलेक्ट कर ली हैं यहाँ भी हमने कर लिया है और आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमने ड्यू डेट सेलेक्ट की थी फॉर बोथ स्क्रीन एज वेल एज रिपोर्ट तो ड्यू डेट भी यहाँ अब अवेलेबल हो गई है मकसद ये था कि आपको ये बताना कि बहुत आसानी से थोड़ी सी विजिलेंस के साथ थोड़ी होशियारी से हम तमाम फॉर्म्स को एज पर रिक्वायरमेंट बा आसानी क्विक बुक्स में कस्टमाइज कर सकते हैं और इसमें सिर्फ आपको स्किल तरीकेकार कहाँ जाना है ये पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन क्या चाहिए ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपको देगा आपने उसकी सिर्फ कस्टमाइजेशन और सेटिंग करनी है एक दफा सेटिंग हो गई स्क्रीन प्रिंटिंग डाउनलोड फॉर्म्स तमाम में वो चेंजेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपने नया फॉर्म नया टेम्पलेट सेव एस कर देना है और आपने डिफॉल्ट में वही इस्तेमाल करना है अब आपने जैसे देखा कि हमने अपना फॉर्म जो हमारा यूज़र इंटरफेस है किसी भी डॉक्यूमेंट एंट्री का उसे चेंज किया और उसी तरह हमने जो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है इन जब हम प्रिंट करते हैं उसको भी सेट कर लिया एज़ पर आ रिक्वायरमेंट और सबसे हमने एक अच्छा टूल इस्तेमाल किया जो कि हमें पूरा लेआउट डिज़ाइनर है जिस तरीके से हम चाहेंगे अपना फॉर्म उधर हम सेट कर लेंगे यहाँ तक कि हमने अपना वहाँ लोगो भी सेट कर लिया है So in all in all, all these tools and facilities are available to you in QuickBooks. आपने एक बार explore करना है इनको use करना सीखना है और जो भी आपके पास requirement accounts department और management की तरफ से आती रहेगी you know the way how to customize all these documents and forms within QuickBooks. Thank you.